वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आन अकेडमी। माई सेल्फ राजेश कुमार सेन, योर साइंस टीचर। यस्टरडे वी कंप्लीटेड द फोर्थ चैप्टर, नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ग्रुपिंग मटेरियल। द मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों को क्लासिफाई करना और उनकी ग्रुपिंग करना। सिमिलरिटी इन मैटर, मैटर्स में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। मैटर का मतलब यहाँ से सब्सटेंसेस हैं, तत्व जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं उनसे हैं। नेक्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूज़न। ये प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। सॉल्युबिलिटी यानी सब्सटेंस कितने सॉल्युबल हैं, किस में सॉल्युबल हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, क्या उसमें से आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं या पार्शली देख सकते हैं, डिफ्यूज़न वो किस तरीके से डिफ्यूज़ हो रही हैं वाटर में, एयर में, सॉलिड में, वो सारी चीज़ें इसमें हमको डिस्कस करना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो मटेरियल्स हैं हमारे पास में, आर दे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। देन आफ्टर लस्टर यानी चमक, हार्डनेस यानी उनकी कठोरता, शेप यानी उसका जो आकार है, एंड विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि वो ऑब्जेक्ट है वह देख किस तरीके से दिखाई देता है, उसमें आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इनकी न्यू टर्म्स, पहले हम न्यू टर्म्स पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन, इसका मीनिंग होता है ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि चीज़ों को, वस्तुओं को उनकी एक समान प्रॉपर्टी यानी गुण के आधार पर ग्रुप करना या इकट्ठा रखना, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल शॉप पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं। हम जैसे ही जो शॉपकीपर है उसको हम अपना जो मेडिकल जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वो मेडिसिन वाला जो पर्चा होता है वो तुरंत पर्टिकुलर सेल्फ में जाता है और वहाँ से वो निकाल के ले आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो ग्रुपिंग करके रखते हैं लेटर के अकॉर्डिंग कि भाई ये ए लेटर से शुरू होने वाली, बी लेटर से शुरू होने वाली, सी लेटर से शुरू होने वाली, तो वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करके रखते हैं कि इसके अंदर ये वाली टैबलेट्स हैं, इसमें ये वाली टैबलेट्स हैं, कि भाई ये ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली ये सारी टैबलेट्स हैं, तो वहाँ से वो उनको चूज़ कर लेते हैं, बी से स्टार्ट होने वाली, तो इस तरीके से वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम घरों में डिफरेंट जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको ग्रुपिंग करके रखते हैं। कंडक्टर, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, कंडक्टर का मतलब चालक, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो जाता है। जैसे वायर है, कॉपर के वायर हैं, तो घरों में जो जो वायरिंग होती है, जितना भी क्रॉप जो भी अप्लाइंसिस हम वर्क ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो सब कैसे चलते हैं, कॉपर से चलते हैं, कॉपर के वायर पे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उसमें कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर कहलाती हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है किसी सब्सटेंस का, वो डेंसिटी कहलाता है। डिफ्यूज़न, इंटर मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर, यानी एक सब्सटेंस के साथ में दूसरे सब्सटेंस का मिलना, वो किस तरीके से आपस में घुल मिल जाते हैं, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। आपने देखा होगा जब शाम को सुबह जब भगवान में के हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी जो स्मेल अगर खुशबू वाली होती तो पूरे रूम में, पूरे घर में हो जाती है। हम कहीं जाते हैं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो सेंट वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो उसकी भी खुशबू क्या है, पूरी जगह हो जाती है। तो यह डिफ्यूज़न की वजह से होता है। इंसुलेटर, इनको बोला जाता है कुछ अलग, या बैड कंडक्टर।
सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैटर, मैटर यानी पदार्थ। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ ए डेफिनेट मास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जगह घेरते हैं और उनके मास, उनमें मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट थ्रू विच वन कैन नॉट सी, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन, लिक्विड कंटेनिंग ए डिसॉल्व मटेरियल, ऐसे लिक्विड जिसमें डिसॉल्व मटेरियल कोई चीज़ घोली हुई होती है, जैसे पानी है, पानी में हम शक्कर घोल दें तो वो शक्कर का सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी पार्शली, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से हम पार्शली पूरी तरह से नहीं कुछ हद तक देख सकते हैं, धुंधला जिसमें से दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, आज हम यहीं पर अपनी क्लास ख़त्म करेंगे, इतना ही हम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।